चलिए, तो अब तक हमने पढ़ लिया है सिंधु सभ्यता, पढ़ लिया है वैदिक सभ्यता, पढ़ लिया है जैन बौद्ध धर्म, पढ़ लिया है। आज हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य। भारतीय इतिहास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साम्राज्य है मौर्य साम्राज्य, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी प्री और मेंस में आते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इससे पहले बैकग्राउंड क्या था। तो बहुत सिंपल बैकग्राउंड था कि जो मौर्य वंश की स्थापना हुई है वो नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो क्रम है, हार्यक, शिशुनाग, नंद और फिर आया मौर्य वंश। तो भारतीय इतिहास में जो शुरुआती राजवंश है वो हार्यक वंश है, फिर शिशुनाग वंश है, फिर उसका नंद वंश है, और नंद वंश के पश्चात सही मायनों में अगर कहेंगे भारतीय इतिहास का पहला महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट राजवंश मौर्य वंश की स्थापना हुई। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्री मेंस। एक आध दिन में मैं आपको सिकंदर का आक्रमण भी विस्तार से बताऊंगा कल, तो अभी ही फिलहाल इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, इसमें प्री मेंस में बहुत क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम इसके स्रोत देखते हैं कि मौर्य जो राजवंश है, मौर्य साम्राज्य है, उसके जानकारी के सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो प्रमुख रूप से इसकी जानकारी के जो स्रोत हैं वो हैं लिटरेरी सोर्स हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्स हैं, एंड अकाउंट ऑफ ग्रीक ट्रेवलर्स। तो तीनों तरह के स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, और यूनानी यात्रियों का, लेखकों का वृत्तांत भी है, विवरण भी है। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली चीज़ साहित्यिक स्रोत। तो मौर्य वंश की जो जानकारी के सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑथेंटिक और महत्वपूर्ण सोर्स है वो है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा, इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त, इनके द्वारा लिखे गए, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखे गए। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो बुक है अर्थशास्त्र, ये सही मायने में इस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। मूल रूप से कहा जाता है कि इस बुक का नाम था अर्थ और शस्त्र। अर्थ का अर्थ होता है बस्ती, स्टेट, राज्य, और शस्त्र का अर्थ होता है रक्षा, डिफेंस। तो मूल रूप से जो इस बुक की विषय वस्तु है वो है एक राज्य, एक बस्ती की रक्षा कैसे की जाए, वो इस पे बेस है। ठीक है, यानी एक राज्य की रक्षा कैसे की जाए उस पे ही आधारित है ये अर्थशास्त्र। और बाद में इसका अपभ्रंश होकर ये अर्थशास्त्र बन गई। तो मुख्य रूप से ये कूटनीति की पुस्तक है, डिप्लोमेसी की बुक है, जिसमें राज्य की रक्षा करने संबंधित बहुत सारे, और राज्य की रक्षा, राज्य को चलाने से संबंधित बहुत सारी जानकारियां दी गई। ठीक है, तो ये पुस्तक जो कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त ने लिखी थी राजनीति और शासन के बारे में, ये पुस्तक मौर्य काल की आर्थिक राजनीति के बारे में बताती है। कौटिल्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है मुद्रा राक्षस। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है मुद्रा राक्षस, जो विशाखा दत्त ने लिखी हुई है। और इस पुस्तक में गुप्त, इस यह पुस्तक बेसिकली गुप्त काल में लिखी गई है। देखिए, ये पुस्तक का जो लेखन है वो गुप्त काल में हुआ है, लेकिन इसके बारे, इस पुस्तक में बहुत विस्तार से चंद्रगुप्त मौर्य के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताती है ये पुस्तक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा तीसरी इम्पॉर्टेंट जो बुक है, जो मौर्य काल की जानकारी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है, वो है इंडिका। इंडिका को लिखा गया था मेगस्थनीस के द्वारा। मेगस्थनीस कौन थे? तो मेगस्थनीस थे सेल्यूकस निकेटर, जो तक्षशिला यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र के शासक थे, सिकंदर के रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, उनके राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। और ध्यान रखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इंडिका मूल रूप से, मूल इंडिका प्राप्त नहीं हुई है। इस पर एरियन, जस्टिन, स्ट्रैबो, लेबो वगैरह के जो कमेंट्स हैं वो मिले हैं, तो ये मूल रूप से नहीं मिली, लेकिन ये भी इनकी जानकारी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। फिर इसके बाद बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य, विशेष तौर पर सिंगली साहित्य, सिंगली मतलब श्रीलंका का जो साहित्य है, श्रीलंका के साहित्य हैं, उससे भी मौर्यकालीन, विशेष तौर पर अशोक के समकालीन बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। फिर इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और जानकारी का स्रोत है, वो है पुराण।
तो प्रमुख रूप से 18 पुराणों में मौर्य राजाओं और उनके घटनाक्रमों की सूची मिलती है। तो प्रमुख रूप से जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं मौर्यकालीन जानकारी के, वो अर्थशास्त्र हैं, मुद्रा राक्षस है, इंडिका है, बौद्ध साहित्य हैं और पुराण वगैरह हैं। ये हमारे साहित्यिक स्रोत हैं। अब दूसरा हम आते हैं पुरातात्विक स्रोत पर, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट हैं अशोक के अभिलेख, अशोक के जो एडिक्ट्स वगैरह हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं इसकी काल की जानकारी के। अशोक ने भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में शिलालेख, गुफालेख, स्तंभ लेखों का निर्माण कराया था। वहाँ बहुत सारी अपनी राज्य आ गए हैं, रॉयल ऑर्डर और धम्म के बारे में लिखवाया था। तो ये बहुत सारे इनके अभिलेख प्राप्त होंगे। अशोक का जो पहला अभिलेख है उसकी खोज जोसेफ टिफिन थैलर ने 1750 में की थी, जबकि अशोक के शिलालेख को पढ़ने में जो सफलता है वो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में प्राप्त की थी। तो ये दो पॉइंट पे ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे अन्य अवशेष मिले हैं, जैसे कुछ बर्तन मिले हैं, कटलरी वगैरह मिली है, तो बर्तन मिले हैं उनको कहा जाता है उत्तर काल के पॉलिश बर्तन, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश ग्रेवेयर, उत्तर काल के पॉलिश बर्तन ये सब मिले हैं। इसमें कुछ चांदी और तांबे के छेद किए हुए सिक्के भी इस काल के मिलते हैं, जो इस काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। फिर यूनानी लेखकों का वर्णन, तो यूनानी लेखकों का वृत्तांत क्या है, ऑन द अकाउंट ऑफ ग्रीक राइटर्स और ट्रेवलर्स। तो प्रमुख रूप से मेगास्थनीस का वर्णन है, डायमेटस का वर्णन है, डियानिसिस का वर्णन है, इसके अलावा जस्टिन, एरियन, प्लेबो, स्टार्क वगैरह के भी वर्णन हैं, जो मौर्य काल की जानकारी के बहुत ही अथेंटिक, अच्छे, इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। तो इस तरह से ये अगर हम देखेंगे तो मौर्य काल की जानकारी के साहित्यिक, पुरातात्विक और ग्रीक यात्रियों के, ग्रीक लेखकों के वृत्तांत हैं जो इस काल की जानकारी उपलब्ध कराते हैं, इसके अलावा अशोक के शिलालेख। चलिए, तो मौर्य काल का टाइम पीरियड क्या है, अब उसे देखते हैं। तो इसका टाइम पीरियड है 322 ईसा पूर्व से लेकर, और 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक, यानी 322 BC टू 185 BC, यानी कुल मिला के जो मौर्य डायनेस्टी है, मौर्य एम्पायर है, वो लगभग 137 ईयर्स तक चला। और इसमें प्रमुख रूप से ये 10 राजाओं के नाम मिलते हैं इस वंश में, लेकिन आपको सारे नहीं रटना है, आपको सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक यहाँ पर, और ये लास्ट, बस सिर्फ ये 4 राजा हैं जो आपके काम के हैं, बाकी कोई खास इम्पोर्टेंट राजा नहीं है, ना इनके बारे में कोई आता है क्वेश्चन। तो यही आपको मूल रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। और जो अंतिम मौर्य सम्राट थे वृहदत्त, उनकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश को आरंभ किया था, तो आगे देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, 322 से 258 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य रहे थे, ये मौर्य वंश के संस्थापक। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड में आप लोगों को बता दूँ जिससे आपको ये याद रहे। तो घटना इस तरह से है कि नंद वंश के एक बहुत ही क्रूर गंदे राजा थे धनानंद, और इनके दरबार में थे चाणक्य यानी कौटिल्य, इनके प्रधानमंत्री थे। तो किसी बात पर धनानंद नाराज हो गए चाणक्य से और उन्होंने इनकी इंसल्ट कर दी। इनकी जब इंसल्ट हो गई तो इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं आपका ये साम्राज्य नष्ट नहीं कर दूंगा, आपका घमंड नष्ट नहीं कर दूंगा, तब तक अपनी ये चुटिया नहीं खोलूंगा। फिर वो उनके दरबार से निकल के उन्होंने भ्रमण करना शुरू किया। इस भ्रमण के दौरान वो एक जगह से गुजर रहे थे, गांव से गुजर रहे थे, जहाँ पे कुछ बच्चे एक राजा और उसका न्याय नाम का खेल खेल रहे थे। उसमें एक बच्चा राजा बना हुआ था और कुछ बच्चे उसकी प्रजा बन के उसके पास न्याय के लिए आते। तो चाणक्य ने ये खेल देखा और उन्होंने देखा कि जो बच्चा न्याय कर रहा है वो बहुत ही समझदार है और बहुत ही तेजस्वी है। तो उन्होंने उस बच्चे के पास गए और फिर उसको, बच्चे को लेकर उसके घर गए। घर में केवल उसकी माँ थी, तो माँ से उन्होंने कहा कि ये बच्चा बहुत प्रतापी बनेगा, बहुत तेजस्वी है और इसके अंदर राजयोग है, तो ये राजा बनेगा। अगर ये बच्चा आप मुझे दे देंगे तो हम इसे राजा बनाएंगे। उनकी माँ ने उसे बच्चा दे दिया। माँ का नाम था मुरा और वो थी धनानंद की दासी, नंदवंश में एक दासी थी। तो वो फिर
बच्चे को लेके गए, उन्होंने उसको शस्त्र की शिक्षा दी और बाकी शिक्षाएं दी, साहित्य वगैरह सिखाया, और फिर एक छोटी सी सेना उन्होंने इकट्ठी करी। उस छोटी सी सेना की सहायता से फिर उन्होंने धनानंद के जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र, उस पर अटैक कर दिया। अच्छा, धनानंद क्या है, बहुत ही क्रूर किस्म के गंदे राजा थे, बहुत ज़्यादा उनकी सेना क्रूर थी और बहुत सारे उनके दुष्ट किस्म के वो राजा थे, ऐसा समझ लीजिए। तो जब इन पर अटैक किया तो धनानंद की सेना ने चाणक्य और चंद्रगुप्त की सेना को बहुत बुरी तरह से परास्त कर दिया। तो फिर परास्त करने के क्रम में ये वापस जब भाग रहे थे तो भागते हुए एक गांव से गुजरे। उस गांव से गुजरने के क्रम में उन्होंने देखा कि एक बच्चा कुछ एक रोटी खा रहा है बाहर, घर के बाहर बैठ के, और जब वो रोटी खा रहा था तो गर्म रोटी थी जिससे उसका मुँह जल जा रहा था। तो उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटा रोटी को आप बीच में से मत खाओ, किनारे से खाओ, उसे किनारे से खाइए रोटी को, तो वो ठंडी लगेगी, बीच से खाएंगे तो गर्म लगेगी, बीच में गर्म होती। तो ये बात सुन के चाणक्य को अपनी गलती समझ में आ गई। गलती क्या थी कि चाणक्य ने जो शक्ति का केंद्र होता है, यानी शक्ति का केंद्र किसी भी राज्य में क्या होता है, किसी भी राज्य में उसकी राजधानी होती, सबसे ज़्यादा पावरफुल शक्ति का केंद्र, सबसे ज़्यादा सेना वहीं होती, और इन्होंने सीधा आक्रमण कर दिया था पाटलिपुत्र। तो इनको अपनी गलती समझ में आ गई और चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलके फिर पहले धनानंद के सीमावर्ती राज्यों को जीता, सीमावर्ती क्षेत्रों को जीता। सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतने के बाद उन्होंने एक बढ़िया सेना बना ली कुछ क्षेत्र को, फिर फाइनली उन्होंने पाटलिपुत्र पर अटैक किया और पाटलिपुत्र की विजय प्राप्त की और धनानंद को मार दिया। तो इससे चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की पाटलिपुत्र में, और भारतीय इतिहास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राजवंश, महान राजवंश, प्रतापी राजवंश, बड़े राजवंश की स्थापना, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को लगभग एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल हुए, ठीक है। अब इस वंश को मौर्य वंश क्यों कहते हैं, उसके पीछे दो कारण बताए जाते हैं। कारण नंबर वन ये माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की माता जी थी उनका नाम मुरा था, इसलिए इस वंश को मौर्य कहा जाता है। दूसरा कारण बताया जाता है कि एक बिहार के लौरिया नंदनगढ़ क्षेत्र में एक शिलालेख मिला अशोक का, जिसमें काफ़ी मोरों का जिक्र किया गया है। उस क्षेत्र में काफ़ी मोर पाए जाते थे, तो उन मोर की वजह से भी इस वंश को मौर्य कहा गया। और ये लोग कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो इनके बारे में दो कॉन्सेप्ट हैं। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को नीच वंश का, यानी शूद्र, यानी लोअर कास्ट बोला है। मुद्रा राक्षस ने भी इसे लोअर कास्ट बोला है, और बौद्ध साहित्य ने इन्हें क्षत्रिय बोला है। वास्तविक रूप से जो मौर्य वंश है, इन्हें या तो क्षत्रिय माना जाता है या शूद्र माना जाता है। तो ये दो चीज़ें इनके बारे में मिलती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की विजय। तो ध्यान रखिए कि विजय से संबंधित जो क्वेश्चन है वो प्रमुख रूप से, एक तो मगध पर प्रथम आक्रमण है इनका, ठीक है, ये आक्रमण विफल हो गया था जो कहानी मैंने आपको सुनाई। फिर इन्होंने यूनान के शासक पर आक्रमण किया और पंजाब पर अधिकार कर लिया, मगध पर फिर से आक्रमण किया और फिर नंदवंश के धनानंद को हरा दिया। ये सब तो आपने पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन ये सब नहीं आएंगे। क्वेश्चन आता है सेल्यूकस से युद्ध 305 ईसा पूर्व। देखिए सेल्यूकस कौन थे, तो सेल्यूकस निकेटर थे सिकंदर के भारतीय क्षेत्र में जो उन्होंने जीता था, विशेष तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बहुत सारा क्षेत्र जीत लिया था सिकंदर ने, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर सिकंदर ने सेल्यूकस निकेटर को प्रतिनिधि बना के छोड़ दिया था। तो सेल्यूकस ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाकर उस क्षेत्र पर शासन करना शुरू किया। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारी विजय प्राप्त करी और उनका शासन तक्षशिला यानी सेल्यूकस निकेटर के राज्य से लगने लगा, तो दोनों के बीच में फिर एक युद्ध हुआ। युद्ध में ध्यान रखिए कोई नाम नहीं मिलता है इस युद्ध का। इस युद्ध को और इस युद्ध के पश्चात हुई संधि को केवल एक ही नाम से पुकारा जाता है, वो है 305 का युद्ध। युद्ध को क्या कहते हैं, 305 ईसा पूर्व का युद्ध और 305 ईसा पूर्व की संधि। तो एग्जैक्ट इसमें कोई भी नाम नहीं मिलता है, बस यही मिलता है कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में 305 ईस्वी का युद्ध हुआ और 305 ईस्वी की ही एक संधि। फाइनल क्या हुआ, इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को बुरी तरह से परास्त कर दिया
और परास्त करने के पश्चात उन दोनों के बीच में एक संधि हुई जिसे 305 की संधि कहते हैं। इस संधि के कुछ शर्तें थी, इंपॉर्टेंट शर्तें थी जो आपको प्री मीन्स दोनों के लिए याद रखना है, तो उसे ध्यान रखिए। नंबर वन इस क्या था, तो नंबर वन था युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे। जीतने के बाद सेल्यूकस ने उन्हें अपने कुछ क्षेत्र जिसमें प्रमुख रूप से काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान क्षेत्र प्रदान कर दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 का युद्ध जीता और जीतने के बाद सेल्यूकस ने उन्हें अपने चार क्षेत्र कंधार, काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान नाम के क्षेत्र दे दिए। दूसरा, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, ठीक है। तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार स्वरूप सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान किए। इसके पश्चात सेल्यूकस और मौर्य दरबार के हमेशा मित्रतापूर्ण संबंध रहे, क्योंकि वो आपस में वैवाहिक संबंध की वजह से जुड़ गए थे। और सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत जिसका नाम मेगस्थनीस था उसे मौर्य दरबार में भेजा, जो पाटलिपुत्र में लंबे समय मतलब लगभग 14 वर्ष तक रहा, और इसी ने फिर ये इंडिका नाम की पुस्तक लिखी जो मूल रूप से प्राप्त नहीं होती है, परंतु इस पुस्तक में अन्य समकालीन जो ग्रीक लेखक हैं, विजिटर हैं, ट्रेवलर हैं, जस्टिन, एरियन, प्लेबो, इन सब के कमेंट्स मिलते हैं। तो उसके आधार पर ये बुक को पुनः लेखन किया गया है, संकलन किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको जो क्वेश्चन आना है वो केवल सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 का जो युद्ध हुआ और 305 ईस्वी की जो संधि हुई उससे क्वेश्चन आते हैं, तो उसे ध्यान रखिएगा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारा दक्षिण विजय कर ली थी, दक्षिण विजय का बहुत सारा भूभाग जीत लिया था, मैसूर अभिलेख से भी उनका शासन की जानकारी मिलती है। पश्चिम भारत पर विजय, चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत पर विजय प्राप्त की, ठीक है, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक बार नजर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ये अफगानिस्तान से लेकर और ये साउथ इंडिया के अधिकांश भाग में, केवल थोड़ा सा हिस्सा केरल और थोड़ा सा हिस्सा तमिलनाडु का छोड़ दें तो अधिकांश इनके शासन में, ठीक है। मतलब आप देख रहे हैं आज का जो हमारा आधुनिक भारत है उस क्षेत्र से भी बड़े क्षेत्र में इनका शासन था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत और यहां पर असम तक विस्तृत था, ठीक है, यानी असम यानी कामरूप, अहोम, सभी इसी के नाम, कामरूप, अहोम, ये सभी नाम है असम के, तो इस क्षेत्र तक विस्तृत था शासन। तो एक बार ध्यान से इसको दिमाग में रखें, और इतना बड़ा शासन मौर्य साम्राज्य के समय जो शासन था इससे पूर्व किसी भी राजा ने स्थापित नहीं किया था, तो आज के आधुनिक भारत से भी बड़े क्षेत्र में इनका शासन था, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखना है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिन, तो चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 24 वर्ष शासन किया। जैन साहित्य के अनुसार जीवन के अंतिम वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजकाज अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया, जैन धर्म स्वीकार कर लिया और जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ शिवल बेलगोला यानी मैसूर के पास कर्नाटक चले गए और वहां सन्यासियों के जैसा जीवन व्यतीत करते हुए संलेखना, सतलेखन, इसका अर्थ होता है सामयिक प्रकार से काया कलेश को कमजोर करना। मैं थोड़ा विस्तार से समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस मौर्य सम्राट ने संलेखना के द्वारा अपनी जीवन त्यागा, तो संलेखना इसे एक और शब्द से बोलते हैं संतरा, संलेखना या संतरा के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन को त्यागा था श्रवण बेलगोला जाके कर्नाटक में। और ये क्या होती, तो जैन धर्म में संलेखना या संथारा है ये बुजुर्ग और रोगी व्यक्तियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का एक माध्यम है। तो कैसे मोक्ष प्राप्ति करते हैं ये, तो मोक्ष प्राप्ति का ये जो माध्यम है ये इस तरह से मोक्ष प्राप्ति करते हैं कि एक क्रम से वो भोजन को छोड़ते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो लगभग हर चीज छोड़ चुके होते हैं, तो इससे काया कमजोर होती है, कलेश, काया कलेश धीरे धीरे होने लगता है और फिर उनकी मृत्यु होती है। यहां मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बता दूं
कि एक बार राजस्थान हाई कोर्ट ने एक कुछ साल पहले एक डिसीजन दिया था जिसमें ये कहा गया था कि ये जो संतरा या सल्लेखना है ये आत्महत्या का एक प्रकार है और उन्होंने इसे बैन लगा दिया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया था ये बोलते हुए कि ये एक परंपरा है, ये 1000 वर्ष से अधिक समय से चलने वाली एक धर्म विशेष की परंपरा है जिसमें क्रम से एक प्रथा अनुसार वो अपना जीवन का त्याग करते हैं, तो उन्होंने ये रोक हटा दी थी। तो ये आज भी मान्य है और ये की जाती है। चल अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा देखते हैं राजा बिंदुसार। बिंदुसार ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ये 298 से 272 तक राजा बने, 258 से 272 तक ये राजा बने। और ध्यान रखिए ग्रीक साहित्य में बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, भद्रसार, अजात शत्रु, वारियर भी कहा गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिंदुसार को 298-272 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, इन्हें अमित्रघात, सिंहसेन, भद्रसार, अजात शत्रु वगैरह भी कहा गया है। पुराणों में इन्हें अमित्रघात कहा गया है, पुराण में अमित्रघात, और ग्रीक साहित्य में पुराणों में इन्हें अमित्र, पुराणों में इन्हें सिंहसेन और अजाशत्रु, और ग्रीक साहित्य में अमित्रघात कहा गया। अच्छा ध्यान रखिए चाणक्य पूरे समय इनके प्रधानमंत्री थे और चाणक्य की सहायता से ही इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, राज्य का जो विस्तार है, कूटनीतिक विजय है, ये सभी चाणक्य की सहायता से इन्होंने की। इनके समय भी चाणक्य इनका प्रधानमंत्री बना रहा है, तो चाणक्य ध्यान रखिए प्रधानमंत्री रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, उसके पश्चात बिंदुसार के भी। बिंदुसार के पश्चात जब अशोक आए तो अशोक के कुछ शासनकाल में कुछ समय के लिए चाणक्य रहे प्रधानमंत्री, फिर चाणक्य ने संन्यास ले लिया और उनकी जगह उनके शिष्य राधागुप्त को अशोक ने अपना प्रधानमंत्री बना लिया था। तो ये ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे जुड़ा हुआ, वो क्वेश्चन है कि बिंदुसार ने किस राजा से दार्शनिक शराब और अंजीर मंगाए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके समकालीन एक राजा थे सीरिया के एंटियोस, ये राजा थे। इस राजा से एंटियोस प्रथम से जो बिंदुसार है उन्होंने अंजीर, सूखे अंजीर, शराब और दार्शनिक भारत भेजने का आग्रह किया था, परंतु एंटियोस ने अंजीर और शराब ये भेजे थे, दार्शनिक भेजने से ये बोलते हुए मना कर दिया था कि सीरिया की परंपरा के हिसाब से ये, मतलब ग्रीक परंपरा के हिसाब से ये आपके पास दार्शनिक नहीं भेज सकते। तो ये था। और बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने भी अपने एक राजदूत डायमेकस को भेजा था। तो इनके दरबार में कौन राजदूत था, तो वो था डायमेकस। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन राजदूत था, सेल्युकस का राजदूत मेगस्थनीस, और बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत डायमेकस था। ये ध्यान रखिए। दोनों ही काल में प्रधानमंत्री कौन थे, तो दोनों ही काल में प्रधानमंत्री थे चाणक्य, कौटिल्य। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब बिंदुसार की विजय कौन सी है, तो बिंदुसार की विजय ध्यान रखिए कि इन्होंने आमतौर पर बिंदुसार को कोई भी नई विजय का कोई श्रेय नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने कोई खास बड़ी विजय नहीं की थी। इनके काल में एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कहां पर विद्रोह हुआ था, तो ध्यान रखिए बिंदुसार के समय दो बार तक्षशिला में विद्रोह हुआ। ठीक है, और जब पहली बार विद्रोह हुआ तो इन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र सुशीम को उसे दबाने के लिए भेजा, लेकिन सुशीम उसे दबाने में सफल नहीं हुए। बाद में दूसरा विद्रोह जब हुआ तो फिर बिंदुसार ने अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजा। अशोक न सिर्फ तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में सफल हुए, बल्कि यहाँ से अशोक की ख्याति फैल गई पूरे मौर्य साम्राज्य में कि ये बहुत ही कुशल राजा हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं और इनमें प्रशासनिक योग्यता है। तो यहाँ से फिर सुशीम और अशोक के बीच में प्रतिद्वंद्विता, एक तरह से जो आपस में हो जाती ना कि भैया कौन राजा बनेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी शुरू हो गई। तो यहाँ से अशोक और सुशीम के बीच में प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई थी, और बाद में जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो फिर अशोक ने सुशीम को मार के ही राज सिंहासन ग्रहण किया। अच्छा, बिंदुसार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसके कुल 99 पुत्र थे, ऐसा कहा जाता है 99 पुत्र थे, और इन 99 पुत्रों को मारकर ही अशोक सिंहासन पर बैठा था। ठीक है,
तो कुल मिला के दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा बिंदुसार के समय कि इन्होंने कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त नहीं की थी। इनके समय तक्षशिला में दो विद्रोह हुए, जिसको पहला विद्रोह इनके बड़े पुत्र सुषीम दवाने में असफल रहे थे, लेकिन दूसरा विद्रोह इनके छोटे पुत्र अशोक सफल रहे थे। और इनके काल में इन्होंने जो सीरिया के राजा हैं एंटिकोस, उससे अंजीर, शराब और दार्शनिक मांगे थे, तो अंजीर और शराब एंटिकोस ने भेजे थे, दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। इनके दरबार में मिश्र के राजा मिश्र के जो राजा थे टॉलमी फिलाडेल्फस, उन्होंने अपने राजदूत डायमेकस भेजा था। दोनों ही काल में प्रधानमंत्री चाणक्य थे। फिर इसी काल में एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है कि अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया गया था। देखिए, एक ये प्रमुख प्रांत था मौर्य काल का उज्जैन, उसका गवर्नर बनाया गया था अशोक को। और इसी दौरान अशोक ने विदिशा के एक सेठ की लड़की महादेवी या श्रीदेवी से विवाह किया था, और इन्हीं महादेवी या श्रीदेवी से इनको महेंद्र और संघमित्र नाम के पुत्र पुत्री हुए थे, और ये पुत्र पुत्री बाद में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। ये ट्विंस थे, और महादेवी और श्रीदेवी की वजह से ही कहा जाता है कि अशोक ने सांची में जो स्तूप बनवाए थे, जबकि सांची बौद्ध धर्म से संबंधित कोई स्थल भी नहीं था, तो वो श्रीदेवी या महादेवी के कारण ही उन्होंने सांची में वो स्तूप बनवाए थे, ऐसा कहा जाता है। फिर बिंदुसार की मृत्यु हुई 272 ईसा पूर्व में, तो 272 से 269 यानी लगभग समझ लिए तीन वर्ष तक बिंदुसार के जो पुत्र थे उनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, वॉर ऑफ सक्सेसरशिप हुआ। और बेसिकली तो ये युद्ध सुषीम और अशोक के बीच में ही हुआ था, बाकी तो पुत्र, तो अशोक इसमें फाइनली जीत गया था, और उसने अपने सुषीम के साथ अपने 99 भाइयों को मार के वो गद्दी पे बैठा, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा कौन कहता है? ऐसे कहते हैं बौद्ध साहित्य, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये कौन कहता है कि अशोक अपने 99 भाइयों को मार के बैठा था गद्दी पर? ये कहा जाता है बौद्ध साहित्य के द्वारा। अच्छा, ऐसा क्यों बौद्ध साहित्य कहते हैं? तो इतिहासकारों में इसको लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। इतिहासकार बोलते हैं कि ये घटना बौद्ध साहित्य ने शायद इस वजह से लिखी थी ये बताने के लिए कि राजा बन कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले अशोक कितना क्रूर राजा था, कितना लड़ाई झगड़े करता था, ये दिखाने के लिए ये शायद घटना लिखी गई है। क्योंकि ना तो अशोक ने अपने किसी अभिलेख में, ना समकालीन किसी साहित्यकार ने, ना किसी अभिलेख में इस घटना का जिक्र नहीं किया गया आमतौर पर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिर बिंदुसार के बारे में एक कोटेशन है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस राजा को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है। ये इसका क्या मीनिंग है इस लाइन का मीनिंग है एक महान पिता का पुत्र और एक महान पुत्र का पिता। मतलब बिंदुसार की खुद की कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि वो चंद्रगुप्त जैसे महान राजा के पुत्र थे और अशोक जैसे महान पुत्र के पिता थे। तो ये कोटेशन के कहा जाता है सन ऑफ फादर और फादर ऑफ सन कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस वंश के सबसे महान राजा अशोक के बारे में। 272 से 232 ईसा पूर्व तक, सही मायनों में 269 से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। अब ये तीन वर्ष क्यों हैं? तो ये ध्यान से देखिए, 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई, ठीक है, पहला पॉइंट। और अशोक राजा बना बाद में 269 में। तो ये जो तीन वर्ष हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ये चल रहा था तीन वर्ष तक उत्तराधिकार का युद्ध। तो इस तीन वर्ष के दौरान अशोक ने अपने 99 भाइयों को, ऐसा कहा जाता है, मार के गद्दियों पर बैठा, सिंहासन पर बैठा। अशोक की उपाधि है देव नाम पियदसी, यानी देवताओं का प्रिय राजा। सम्राट अशोक ने अपने आप को देव नाम प्रियदसी उपाधि से वो किया था, उपाधि ली। आरंभिक जीवन देखते हैं, तो अशोक का जो आरंभिक जीवन है, अशोक बिंदुसार और उनकी जो पत्नी थी धर्मा, उनका पुत्र था। तो अशोक बिंदुसार और अशोक की माता जी का नाम धर्मा था। बिंदुसार की 16 रानियां और 101 पुत्र माने गए हैं, जिसमें से केवल तीन के नाम उल्लेख किए गए हैं, सुषीम जो अशोक से बड़ा था, किस्य और अशोक। ये तीन का शिलालेख में उल्लेख किया गया है नामों का, सुषीम, अशोक और किस्य।
ये सबसे छोटा भाई था और ये सब थे। तो 101 16 रानियां, 101 पुत्र, ये वगैरह वगैरह इनका था। उत्तराधिकार की जंग मैंने आपको बताई दी, 272 से उत्तराधिकार की जंग शुरू हुई, जिसमें प्रमुख रूप से जंग अशोक और सुषीम के बीच में ही चली, आपस में झगड़े वगड़े इनके चलते रहे, और फाइनली फिर अशोक की सहायता करी चाणक्य के शिष्य राधा गुप्त ने सिंहासन पर बैठने के लिए। इसके लिए इसके कारण ही अशोक ने राधा गुप्त को अपना पीएम बनाया था। ठीक है, अशोक ने सभी अपनी माँ को, उनके सौतेले भाइयों को मार दिया है ना, अशोक ने अपने सगे भाई वृक्षोक को छोड़कर बाकी सारे 99 भाइयों को मार दिया था। हालांकि कहानी दो तरह की है, ये बौद्ध साहित्य में लिखा है और ये जनरल कहा जाता है कि अशोक के तीन भाई जो थे वो बच गए थे। तो वो तीन भाई मैंने आपको बताई है कि वो तीन भाई कौन है, तो अशोक, तिस्य, और अशोक ने अपने भाई तिस्य को छोड़ दिया था, बाकी सबको मार दिया। और यहाँ पे बताया गया है अन्य साहित्य के हिसाब से कि अशोक ने वृक्षोक, अपने सगे भाई वृक्षोक को छोड़ के बाकी सभी को मार दिया था। ठीक है, तो कुल मिला के मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि बेसिकली बौद्ध साहित्य ने ही ये 99 भाइयों को मारने की घटना को हाईलाइट किया है, अन्य साहित्यकारों ने नहीं किया है, अन्य इतिहासकारों ने नहीं किया है, अन्य समकालीन किसी भी ग्रंथ वगैरह में, साहित्य में, पिछला लेख में इसका उल्लेख नहीं है। तो कुल मिला के ये लगता है कि ये बौद्ध साहित्य में ही क्रिएट की गई एक घटना है, जिसमें अशोक को पहले बुरा राजा और फिर बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अच्छे राजा के रूप में बताने का प्रयास है। तो ये सिंपल से चलिए आगे देखते हैं साम्राज्य विस्तार। अब अशोक का साम्राज्य विस्तार, तो साम्राज्य विस्तार क्या है, तो अशोक ने, आप देखिए, साम्राज्य विस्तार जो किया है तो उत्तर में हिंद कुश की श्रेणियों से लेकर, हिंद कुश क्या है, ये अफगानिस्तान में जो पर्वत श्रेणियां हैं हिंद कुश की हैं, ये कहलाती हैं हिंद कुश की पर्वत श्रेणियां, तो यहां से लेकर गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी वाला एरिया है, मैसूर कर्नाटक, पश्चिम में बंगाल, असम से लेकर, तो देखिए कुल मिला के अफगानिस्तान से लेकर असम से लेकर यहाँ पर कर्नाटक तक के क्षेत्र में शासन था, यानी आज के आधुनिक आधुनिक भारत से ज़्यादा बड़े क्षेत्र में इनका शासन था, ये ध्यान रखें। ओके, और उस समय तक ये सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो इनकी कुछ लड़ाइयाँ इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 261 की कलिंग की लड़ाई, जो कलिंग का युद्ध है सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध में से एक माना जाता है अशोक का। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में इस कलिंग की लड़ाई का वर्णन किया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग की लड़ाई का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया, तो ये किया है अशोक ने 261 में अपने 13वें शिलालेख में, मतलब कलिंग की लड़ाई 261 में हुई थी, जिसका उल्लेख अशोक ने 13वें शिलालेख में किया। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 150,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित किए गए, 100,000 लोगों की हत्या कर दी गई और ढेर सारे लोग घायल हुए। तो इस भारी नरसंहार को अशोक ने अपनी आंखों से देखा, इससे वो द्रवित होकर अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति और धार्मिक प्रचार का निर्णय किया और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो आम तौर पर अवधारणा है हमारे दिमाग में बिठा ली गई है, कि इतिहासकार के हिसाब से अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात, ऐसा नहीं कि कलिंग युद्ध के 10 दिन बाद ही स्वीकार कर लिया बौद्ध धर्म, तो ऐसा नहीं है, उसके बाद भी उसे काफ़ी समय लगा बौद्ध धर्म को स्वीकार करने में। और एक और चीज़ जो बताई जाती है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध बंद कर दिए थे, तो ऐसा भी नहीं था कि कलिंग युद्ध के पश्चात जब अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो उसके पश्चात भी उसने क्या किया था, युद्ध बंद नहीं किए थे, केवल उनकी फ्रिक्वेंसी, तीव्रता, ज़्यादा युद्ध लड़ने की को कम कर दिया था। जैसे पहले वो बहुत ज़्यादा युद्ध लड़ते थे, बहुत तीव्रता ज़्यादा थी, अब उन्होंने फ्रिक्वेंसी को कम कर दिया था। आप कहोगे क्यों क्यों ऐसा सब, तो देखिए इतने बड़े एरिया में अगर किसी राजा का शासन हो तो वो शासन आखिर होगा किस आधार पर, तो शासन राजा जो कर पाते थे बड़े क्षेत्र में, उसका आधार होता था बड़ी सेना, युद्ध और अपना प्रभाव और कुशल नेतृत्व। तो अगर आप को किसी राजा को, किसी क्षेत्रीय राजा को हराना है या डरा के रखना है या उससे कर वसूल करना है, तो उसका एक ही तरीका होता था, या तो आप युद्ध करोगे या उस पर बड़ी सेना से प्रेशर डाल के रखोगे। तो अगर आप टोटली युद्ध बंद कर दोगे, सामने वाले राजा को समझ में आ जाएगा कि ये युद्ध करना ही नहीं चाहता ये आदमी, तो फिर वो आपसे डरेगा ही नहीं। तो इसलिए युद्ध की फ्रिक्वेंसी कम हुई थी, युद्ध बंद नहीं हुए थे। अच्छा,
अब बौद्ध धर्म को स्वीकार कैसे किया इन्होंने, तो वो देखिए। सम्राट अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष में निगोथ नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। अशोक को अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में निगोथ नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। तत्पश्चात मोगलिपुत्तस्य के प्रभाव से वे पूर्णतः बौद्ध हो गए। दिव्यदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु को जाता है। अच्छा, अब यहाँ पॉइंट फिर से समझ लीजिए। पॉइंट क्या है, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है बौद्ध धर्म के बारे में वो दी गई थी एक बौद्ध भिक्षु निगोथ के द्वारा, इन्हें तो उन्हें अच्छा लगा। फिर मोगलिपुत्तस्य हैं जिन्होंने और बताया बौद्ध धर्म के बारे में। फाइनली फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि हम बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होंगे, बौद्ध धर्म में मतलब दीक्षित होंगे। तो इसको दीक्षा देने का श्रेय जाता है उपगुप्त को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे ध्यान से देखिएगा कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय यानी बौद्ध धर्म स्वीकार कराने का श्रेय किस व्यक्ति को है, तो वो उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु को है, ये ध्यान रखिएगा। और पहली जानकारी निगोथ नाम के बौद्ध भिक्षु द्वारा दी गई थी, फाइनली दीक्षित उपगुप्त ने किया। फिर अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बौद्ध गया की यात्रा की, फिर बाद में उन्होंने 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की और लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया था, कर मुक्त घोषित कर दिया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने अपने जीवन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की और लुम्बिनी को टैक्स फ्री घोषित कर दिया क्योंकि बुद्ध जी का वहां पर जन्म हुआ था। फिर बौद्ध धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्यों की नियुक्ति की। धम्म महामात्य मतलब बौद्ध धर्म प्रचारक की नियुक्ति की। अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भी इस कार्य में लगाया और प्रमुख रूप से उन्होंने नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिश्र, यूनान इत्यादि में अपने धर्म प्रचारक भेजे और इस कार्य में अपने पुत्र पुत्रियों को भी भेजा। अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उसे उसके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र श्रीलंका के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने में सफल रहे। ठीक है, तिस्स ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया था, इसी कारण आज श्रीलंका में जो सिंगली हैं, सबसे ज़्यादा संख्या में सिंगली हैं, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं और प्रमुख धर्म जो श्रीलंका का है वो बौद्ध धर्म ही है। ठीक है, और अशोक से प्रेरित होकर उन्होंने भी देवनाम प्रिय की उपाधि ली थी। ठीक है, फिर अशोक ने आपको जैसा मैंने पहले बताया था बौद्ध जैन धर्म में कि अशोक ने 251 में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था जिसमें मोगलिपुत्तस्य उसके अध्यक्ष थे और यहाँ अभिधम्म पिटक की रचना हुई। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित साधन अपनाए। धम्म यात्राएं करी, राजकीय पदाधिकारी यानी धम्म महामात्र नियुक्त किए, दिव्य स्वरूपों का दर्शन की मतलब रेप्लिका बनाई, उसकी प्रतिकृति बनाई बुद्ध जी की। ठीक है, धर्म उपदेश नियमित देने की व्यवस्था की, लोक कल्याण के कार्य किए, धर्म लिपियों खुदवाया, विदेशों में धर्म प्रचार किया। अशोक के अभिलेख, अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा ईरान के राजा डेरियस वन से मिली। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताऊँ कि अशोक ने बौद्ध धर्म में स्वीकार करने के बाद एक आपको क्वेश्चन आएगा, ये मेंस में आता है। अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष किया। देखिए, ये अशोक ने भैरी घोष, भैरी क्या होता है, वो बड़ी वाली ऐसी पुंगी टाइप की जो होती ना, जो बजाते हैं युद्ध से पहले, इसे कहा जाता है भेरी घोष, इसे भेरी कहा जाता है, युद्ध के पहले बजाई जाती है। तो युद्ध के करने की घोषणा करने के लिए भैरी बजाई जाती है, तो भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का सहारा लिया। देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा मेंस में, अशोक को महान क्यों कहते हैं। एक, अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया। दो, साबित कीजिए। तो कुल मिला के आप एक कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि अशोक को महान क्यों कहते हैं, उसके पीछे कारण क्या था। तो कारण यह है कि अशोक, इतने बड़े क्षेत्र में अशोक का शासन था,
मतलब आपने देखा ये अभी कि अफगानिस्तान से लेके असम और नीचे कर्नाटक तक इतनी बड़ी सेना थी, इतना महत्वपूर्ण राजा था, इतना पावरफुल राजा था। इसके बाद वो चाहता तो पूरी देश की जनता को, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, तो पूरी देश की जनता को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर देता, स्वीकार करने पर मजबूर करता। लेकिन उसने ये ना करके धम्म घोष की। अब एक क्वेश्चन और मेंस में आता है, अशोक का धम्म, अशोक का धम्म धर्म नहीं है, साबित कीजिए। तो इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखिए, धम्म, धम्म, अशोक का धम्म। तो इसे समझिए, धम्म क्या है। तो हम जब धम्म वर्ड लिखते हैं तो लोगों को, मतलब आम तौर पर इसे लगता है कि इसे ये बौद्ध धर्म का प्रचार। तो धम्म जो अशोक का धम्म है वो क्या है, वो बेसिकली है नैतिक आचरण, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। तो अशोक को महान इसलिए कहते हैं कि अशोक ने इतने पावरफुल, शक्तिशाली, इतने बड़े क्षेत्र में शासन होने के पश्चात भी अपनी जनता से बौद्ध धर्म मानने के लिए नहीं बोला, बल्कि उल्टा उसने जनता के नैतिक कल्याण के लिए, नैतिक आचरण वो अच्छा करें, उसके प्रयास किए। तो इसे ही कहा जाता है अशोक का धम्म। तो अशोक का धम्म मतलब एक नैतिक आचरण संहिता। और नैतिक आचरण संहिता क्या है अशोक की? तो अशोक ने जनता से कहा कि भैया बड़ों का आदर करो, छोटों को प्यार करो, पर्यावरण की रक्षा करो, जीवों को नुकसान मत पहुंचाओ। तो ये क्या है? ये नैतिक आचरण है। तो अशोक ने धम्म के प्रचार में, इसीलिए अशोक को महान कहते हैं कि अशोक ने धम्म का प्रचार किया, यानी उसने अपनी जनता को नैतिक रूप से अच्छा बनाने की कोशिश करी, ना कि धार्मिक रूप से। तो ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा मेंस में। चलिए अब देखते हैं हम अशोक के प्रमुख शिलालेख, अशोक के अभिलेख, प्रमुख शिलालेख। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो ये याद रखिएगा कि अशोक को शिलालेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो जो अशोक के एडिक्ट हैं, वेरियस एडिक्ट हैं, उसकी प्रेरणा उन्हें मिली है ईरान के राजा डेरियस प्रथम से। तो अशोक को शिलालेख लिखने की प्रेरणा मिली है ईरान के राजा डेरियस प्रथम से। शिलालेख की भाषा क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो शिलालेख की भाषा है पाली, ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरेमाइक। अगेन अब इस पॉइंट को भी ध्यान से समझें, क्या है पॉइंट? पॉइंट ये है कि अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए वो जहाँ भी लिखवाए वो उसकी स्थानीय भाषा में लिखवाए, लोकल लैंग्वेज में। क्यों कराया उसने ऐसा? देखिए अगर वो संस्कृत में लिखवाता तो भी कोई नहीं पढ़ पाता, अगर वो ऐसी भाषा में लिखवाता है, ऐसे क्षेत्र में जहाँ वो भाषा नहीं चलती तो भी लोग नहीं पढ़ पाते। तो उसने क्या किया कि जिस क्षेत्र में लिखवाया उस क्षेत्र की ही स्थानीय भाषा में लिखवाया। जैसे पाली और ब्राह्मी में उसने पूरे उत्तर भारत में लिखवाए लेख, उत्तर भारत में पाली ब्राह्मी चलती थी, खरोष्ठी चलती थी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, यूनानी और अरेमाइक उसने अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में लिखवाई, अरेमाइक मतलब ग्रीक। तो उसने जिस क्षेत्र में जो भाषा चलती थी उस क्षेत्र में उसी भाषा के शिलालेख लिखवाए, जिससे उसकी जो धम्म का प्रचार है यानी नैतिक आचरण संहिता का प्रचार है वो बहुत बेहतर ढंग से हो पाया। इसे ध्यान रखिए। अब अशोक के शिलालेख, तो अशोक के शिलालेख आपको सारे नहीं रटना है, वो संभव भी नहीं है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में मिले हैं अशोक के शिलालेख, लेकिन सारे रट्टे मारना नहीं है आपको। कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने रेड से लिखे हुए हैं, आप उन्हें ध्यान से देखिए। अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख हैं। ये 14 प्रमुख शिलालेखों में से रूपनाथ, ये जबलपुर में है मध्य प्रदेश में, गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश में है। अच्छा, यहाँ पे जैसा आप शुरू में देख ही चुके हैं, फिर से रिपीट कर देता हूँ। हुआ क्या, अशोक के सबसे जो पहले शिलालेख हैं वो 1750 में गिफिट ट्रिफिन थैलर को मिले। 1750 में अशोक का शिलालेख गिफिट ट्रिफिन थैलर को मिले, और इसे पढ़ने में सफल हुआ 1837 में जेम्स प्रिंसेप। अभी थोड़ा सा चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए, अशोक के शिलालेख सबसे पहले गिफित ट्रिफिन थैलर को मिले थे, जिसे पढ़ने में सफल हुआ था जेम्स प्रिंसेप 1837 में। लेकिन जब ये पढ़ना उसने शुरू किया तो उसे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि भैया ये देव नाम प्रियदर्शी नाम का राजा कौन है, ये देव नाम प्रियदर्शी राजा कौन है। तो फिर धीरे धीरे वो शिलालेख पढ़ता गया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि देवनाम प्रियदर्शी राजा कौन है। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हुई कि यार इतने बड़े क्षेत्र में शासन है और
कौन सा ऐसा राजा था जिसका इतने बड़े क्षेत्र में शासन था, और उसका नाम देवनाम प्रियदसी था। फिर क्या हुआ, एक अभिलेख मिला, वो अभिलेख कहलाता है मस्की। ये रायचूर कर्नाटक में है फिलहाल, मस्की अभिलेख बुक्स में आपको मिलेगा गुंटूर आंध्र प्रदेश में, लेकिन ये फिलहाल रायचूर कर्नाटक में आता है। इस शिलालेख में लिखा मिला देवनाम प्रियदसी राजा अशोक। तब फिर भारतीय विद्वानों को समझ में आया कि अच्छा, ये है वो राजा जिसके शिलालेख पूरे देश में मिल रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शिलालेख में अशोक का नाम, अशोक का मूल नाम मिला है। तो वो पहला अभिलेख है देवनाम प्रियदसी राजा अशोक, मस्की अभिलेख, जो कि रायचूर कर्नाटक। अच्छा, इसके बाद ध्यान रखिए कि अशोक के इतने सारे अभिलेखों में से सिर्फ 6 अभिलेख हैं, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 6 अभिलेख मिले हैं जिसमें उसका मूल नाम मिलता है, सिर्फ 6 में। लगभग 150 से ज़्यादा अभिलेख हैं, लेकिन सिर्फ 6 में ही उसका मूल नाम मिलता है, देवनाम प्रियदसी राजा अशोक। बाकी सब में केवल देवनाम प्रियदसी ही लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आपको पहला आएगा कि पहला अशोक का मूल नाम वाला अभिलेख कौन है, और दूसरा क्वेश्चन आएगा एमपी में वो कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का मूल नाम मिलता है। तो एमपी में वो अभिलेख है गुर्जरा अभिलेख, जो दतिया मध्य प्रदेश में। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा कि पहला अभिलेख जिसमें उसका मूल नाम मिलता है वो है मस्की अभिलेख रायचूर कर्नाटक, और मध्य प्रदेश में मिला हुआ अभिलेख है गुर्जरा, जो दतिया जिले में स्थित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से अभिलेख मिले हैं, इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रियो मीन्स दोनों में। तो मध्य प्रदेश में रूपनाथ जो जबलपुर में है, सांची मध्य प्रदेश, गुर्जरा मध्य प्रदेश, और इसके अलावा एक और अभिलेख मिला है मध्य प्रदेश से, उसका नाम है पान गुराड़िया अभिलेख अशोक का, ये मिला है सीहोर जिले से। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में रूपनाथ जबलपुर, पान गुराड़िया सीहोर, गुर्जरा दतिया, ये शिलालेख मिले हैं। इसके अलावा सांची अभिलेख, सांची स्तूप और अभिलेख ये भी मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी आप एक दो बार पढ़ लीजिए, इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ अभिलेख हैं जो आपको अगर याद रह सकें तो बहुत अच्छा है। अभिलेख में थोड़ी सी आपको धैर्य से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बाकी याद हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप मध्य प्रदेश के तीनों अभिलेख पान गुराड़िया, गुर्जरा और रूपनाथ, इन्हें जरूर याद रखें, और इसमें विशेष तौर पर गुर्जरा अभिलेख जिसमें उसका मूल नाम मिलता है उसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए अब थोड़ा सा एक और अभिलेख और उनकी विषय वस्तु, ये प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिलेख और उनकी विषय वस्तु क्या है। तो जो प्रथम अभिलेख मिला है उसमें पशु बल पर प्रतिबंध है ना, इस तरह से जो अभिलेख इनका 13वां अभिलेख है उसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। जो 11वां अभिलेख मिला है उसमें धम्म नीतियों का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से इन्होंने ये वर्णन किए हैं। तो इसमें 2-3 अभिलेख आप मूल रूप से याद रख लें, जिसमें 13वां तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, 4था अभिलेख मिला उसमें बड़ों का आदर करें, 3रे अभिलेख में ब्राह्मणों का आदर करें। ये सब देखिए क्या है, ये अभिलेख मुख्य रूप से है क्या है, नैतिक संहिता है, आचार संहिता है कि कैसा नैतिक आचरण का पालन करना है। देखिए अशोक महान इसलिए भी है कि उसने अपनी जनता को नैतिक रूप से उन्नत बनाने का, विकसित करने का, अच्छा बनाने का प्रयास किया, ना कि धार्मिक रूप से। फिर शिलालेख की जो भाषा है, लिपियां हैं, वो सिंपल है, ब्रह्मी लिपि पूर्वी क्षेत्र में खरोष्ठी, पश्चिम यूनानी, अरिमाइक वगैरह सब की गई। फिर आगे देखें अशोक की पत्नियां, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें, अशोक की तीन प्रमुख पत्नियां थीं। देखिए अशोक की तीन प्रमुख पत्नियां थीं, जिसमें पहली थी श्रीदेवी या महादेवी, दूसरी थी तिश्रक्षिता और तीसरी थी कारुवाकी। यहां पे अगेन आपको एक क्वेश्चन आएगा कि अशोक के शिलालेख में वर्णित उसकी पत्नी का नाम क्या है। तो अशोक ने केवल अपनी एक पत्नी का नाम ही अपने शिलालेख में वर्णित किया है, उसका नाम था कारुवाकी या कौरवकी, कारुवाकी है वैसे ये नाम। ये कलिंग की राजकुमारी थी, इनका वर्णन किया उसने शिलालेख में अपने। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर अशोक के पश्चात पुराणों के अनुसार उनका पुत्र कुणाल गद्दी पर बैठा। कुणाल का अर्थ होता है सुंदर आंखें,
सुंदर आंखें। लेकिन अशोक की एक और पत्नी जो तिक्ष्णरक्षिता थी, उन्होंने इस कुणाल की आंखें फोड़वा दी थी, यानी ये क्या थे, ये अंधे थे, ये गद्दी पर बैठे। ठीक है, फिर अशोक के और भी पुत्र थे, उन पुत्रों के हिसाब से जालौ कश्मीर का राजा बन गया, वीरसेन कंधार का राजा बन गया, कुणाल अंधा था, कार्य करने में असमर्थ था। तो जैन बौद्ध ग्रंथ के अनुसार शासन की बागडोर उसके पुत्र संप्रति के हाथ में थे। संप्रति ही कुणाल का उत्तराधिकारी था। फिर एक और पुत्र इनके पौत्र हैं दशरथ, जिन्होंने, एक क्वेश्चन आता है, कुणाल का पुत्र था दशरथ जिसने बिहार की में नागार्जुनी गुफाएं अजीवकों को दान में दी थी। अजीवक संप्रदाय के जो स्थापना करता हैं वो थे महावीर स्वामी के एक शिष्य मक्खन गोशाली। उन्होंने महावीर स्वामी जी से मतभेद होने के कारण एक अलग संप्रदाय की रचना की थी, स्थापना की थी, जिसे कहते हैं अजीवक संप्रदाय, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, और लास्ट मौर्य सम्राट कौन था, तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। और बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्पमित्र ने कर दी थी और एक शुंग वंश की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है कुल मिलाकर। तो अशोक के बाद आपको उत्तराधिकारी के रूप में कोई भी क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है, खाली एक बार ध्यान रखिएगा, अशोक का जो सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था, वो कुणाल था। कुणाल का अर्थ होता है सुंदर आंखें, और इनकी आंखें जो थी वो तिक्ष्णरक्षिता नाम की इनकी पत्नी ने पढ़वा दी थी, अशोक की एक और पत्नी ने। तो ये आपको ध्यान रखना, और इसके अलावा सीधा ध्यान रखने की आवश्यकता है बृहदत्त की। तो बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट थे और इन्होंने हत्या करके, बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए, तो यहाँ तक हमने देख ली मौर्य काल वन में मौर्यों की राजनीति, यहाँ तक राजनीति हो गई। तो धन्यवाद।